Chapter 7 More about MS PowerPoint This chapter cover to insert a picture or clipper, to insert smarter, to edit smarter, to add bullets and numbers, to apply themes, to add themes, animation in PowerPoint, inserting music. इस चैप्टर्स में हम आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं स्मार्ट आर्ट स्मार्ट आर्ट में एडिटिंग कैसे करते हैं बुलेट नंबरिंग कैसे इंसर्ट करते हैं अप्लाई कैसे थीम कैसे अप्लाई करते हैं उसको कैसे एडिट करते हैं और एनिमेशन कैसे देते हैं ये पढ़ेंगे पावर पॉइंट टू पावर पॉइंट टू थाउजेंड टेन इज ए प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेट अलाउ यू टू क्रिएट ए डायनेमेटिक स्लाइड प्रजेंटेशन पावर पॉइंट टू थाउजेंड टेन एक प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर है इसमें हम प्रजेंटेशन को अपने डायने बना सकते हैं मतलब अट्रैक्टिव बना सकते हैं इट्स में इंक्लूड एनिमेशन इमेज वीडियो क्लिप साउंड टेक्सट एक्सेट्रा इसमें हम जो भी स्लाइड्स बनाते हैं उसमें एनिमेशन दे सकते हैं इमेज इंसर्ट कर सकते हैं वीडियो क्लिप साउंड और टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं यू कैन एड मॉडिफाई द रिबन एंड क्विक एक्सेस टूल बार और रिबन की क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से मॉडिफाई भी कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रजेंटेशन आर जनरली क्रिएटेड इन थ्री फॉर्मेट पावर पॉइंट प्रजेंटेशन जनरली थ्री फॉर्मेट में क्रिएट होता है ब्लैंक एंड रिसेंट टू फॉर्मेट क्रिएट एड ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर हमें ब्लैंक फॉर्मेट चाहिए तब हम ब्लैंक का यूज करते हैं इंस्टॉल टेम्पलेट्स दिस फॉर्मेट क्रिएट एड प्रजेंटेशन बाईस ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रजेंटेशन बाई डिफॉल्ट पावर पॉइंट में टेम्पलेट्स रहती है अगर में से हम कोई फॉर्मेट की जरूरत होती है तो हम इंस्टॉल टेम्पलेट्स का यूज करते हैं इंस्टॉल थीम्स दिस फॉर्मेट कंटेन रेडीमेड स्लाइड्स कलर पैटर्न एंड ग्राफिक्स इंस्टॉल थीम्स के अंदर जो हम स्लाइड्स के कलर्स की सेटिंग्स करते हैं ग्राफिक्स के पैटर्न्स की वो सेटिंग्स ऑलरेडी रहती हैं वहां से हम थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं तो पिक्चर और पॉइंट में पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं पिक्चर्स मेक हवर प्रजेंटेशन यूनिक एंड इनहेंस इट्स अपेयर किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर हम कोई भी पिक्चर ऐड करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो जाती है वी कैन यूज पिक्चर्स दो फंक्शन से यूज करते हैं वी कैन इंसर्ट क्लिपकार से भी इंसर्ट कर सकते हैं और पिक्चर फ्रॉम फाइल की मदद से भी टू इंसर्ट ए क्लिपकार्ट से कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं They are क्लिक ऑन इंसर्ट टैब सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट कमांड ऑन द इमेज ग्रुप इमेज ग्रुप में क्लिप आर्ट कमांड पर क्लिक करते हैं क्लिप आर्ट ऑप्शन अपेयर फिर इन द टास्क पेन टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट हमारे प्रेजेंटेशन के राइट right साइड में एक टास्क पेन अपेयर हो जाता है क्लिप आर्ट का एंटर की वर्ड इन द सर्च फॉर बॉक्स जिस तरह के हमें पिक्चर्स चाहिए वो वर्ड्स हम सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द रिजल्ट शुड बी फील्ड जो ड्रॉप डाउन का एरो होता है वहाँ पर हमें रिजल्ट शो होता है आल्सो डी सेलेक्ट एनी टाइप्स ऑफ मीडिया फाइल्स इफ़ यू वॉन्ट टू विश टू सी जिस तरीके हमें पिक्चर्स सेलेक्ट चाहिए उसी तरह का हम उस पर फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं क्लिक ऑन गो गो बटन पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट द डिजाइड क्लिप आर्ट इमेज फ्रॉम द पेन जो हमारी पिक्चर्स ओपन होकर आई हैं उसमें से जो पिक्चर्स हमें चाहिए उस पिक्चर्स पर हम क्लिक कर देते हैं यू विल सी द क्लिप आर्ट इमेज इन योर स्लाइड वो जो पिक्चर्स पर हमने क्लिक किया वो पिक्चर्स हमारी स्लाइड्स में शो हो जाती है जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ऊपर इंसर्ट टैप पर क्लिक करते हैं इसमें क्लिप पर, क्लिप आर्ट पर आर्ट पर क्लिक करने में राइट साइड में जो बॉक्स आ रहा है ये टास्क पैन अपेयर हो जाता है या हमें जिस टाइप की पिक्चर चाहिए उसको लिखते हैं उसका नेम और फिर हमें पिक्चर्स क्लिक करते हैं वो पिक्चर्स हमारी स्क्रीन पर स्लाइड पर इंसर्ट हो जाती है टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम फाइल दे आर द फ्लोंग स्टेप टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम फायल क्लिक ऑन इंसर्ट टैप ऑन द रिबन रिबन में इंसर्ट टैप पर क्लिक करते हैं क्लिक ऑन पिक्चर फ्रॉम स्टेशन ग्रुप पिक्चर बटन पर क्लिक करते हैं स्टेशन ग्रुप में एंड इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपेट एक पिक्चर का डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है सेलेक्ट दिक्चर फाइल दैट इज टू बी इंसर्ट जो पिक्चर हमें इंसर्ट करनी है उसको सिलेक्ट करते हैं क्लिक ऑन इंसर्ट बटन इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं इससे हमने जो पिक्चर सेलेक्ट किया है वो हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाती है जब हम पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं इसके बाद हम पिक्चर्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें ये एक बॉक्स ओपन होके आता है इसमें से पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं वो पिक्चर हमारी इंसर्ट होके आ जाएगी इस स्लाइड में टू इंसर्ट स्मार्ट टू स्मार्ट विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट यू शुड फॉलो दीज जब भी हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इंसर्ट स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं क्लिक ऑन इंसर्ट टैप ऑफ द रिबन रिबन में इनसे टैप पर क्लिक करते हैं क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द स्टेशन ग्रुप डायलॉग बॉक्स पेयर जब हम स्मार्ट आर्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं स्टेशन ग्रुप में तो एक डायलॉग बॉक्स पेयर होता है सेलेक्ट द लेआउट ऑफ स्मार्ट फ्रॉम द लेफ्ट पैन एंड चूज द टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट उसमें हम लेआउट को सिलेक्ट करते हैं और स्मार्ट आर्ट के टाइप्स को सिलेक्ट करते हैं क्लिक ऑन द ओके बटन ओके बटन पर क्लिक जब हम इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो ओपन होके आती है इसमें से हम लेआउट को सेलेक्ट करते हैं ओके okay करते हैं उस तरीके का लेआउट हमारी स्क्रीन पर आ जाता है स्मार्ट आर्ट का टू एडिट स्मार्ट आर्ट यू कैन चेंज द कलर लेआउट स्लाइड एक्सेट्रा स्मार्ट आर्ट इन ऑर्डर टू एडिट जब हम कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं तो उसके कलर लेआउट स्टाइल्स में हमें करेक्शन करना होता है तो हम डबल क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट स्मार्ट आर्ट पर डबल क्लिक करते हैं और स्मार्ट आर्ट टूल्स अंडर डिजाइन टैब एक डिजाइन का नया टैब ओपन होकर आ जाता है उसमें सभी टूल्स होते हैं स्मार्ट आर्ट्स के सेटिंग्स के वी विल बी अपेयर ऑन द रिबन रिबन में अपेयर होता है इन ऑर्डर टू चेंज कैटेगरी चूज फ्रॉम द लेआउट ग्रुप लेआउट ग्रुप में से हमें जिससे भी सेटिंग्स चेंज करनी है उस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द अपेयर स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ द डिफरेंट स्टाइल फ्राम द स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप में से हम डिफरेंट तरह की स्टाइल्स में से किसी एक स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो वो स्टाइल्स हमारे स्मार्ट आर्ट की हो जाती है यू कैन ऑल्सो चेंज कलर फ्राम देंज बॉक्स चेंज बॉक्स की मदद से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं जब हम कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसेट करते हैं तो इस तरह का हमने सर्कल का फॉर्मेट लिया है तो सर्कल का फॉर्मेट शो हो रहा है ऊपर देखिए एक नया एक न्यू टाइप ओपन होकर आया है डिजाइन टाइप का इस टैप्स की मदद से हम इसकी फॉर्मेटें कर सकते हैं